नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लेट अस नर्चर आवर माइंड में आपका स्वागत है। आज के हमारी वार्ता का डिस्कशन का टॉपिक है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? हर इंसान खुश रहना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है, लेकिन असल में हैप्पीनेस है क्या? इसका तो कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। मुझे एक चीज़ मिलती है, मैं खुश हूँ, वही चीज़ अगर आपको मिलती है तो शायद आप खुश नहीं होंगे। तो हैप्पीनेस को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हैप्पीनेस इज़ ओनली द स्टेट ऑफ माइंड। आप अपने दिमाग में अगर सोच लेते हो कि मुझे खुश रहना है तो आप खुश हो। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में या किसी कंडीशन में कंडीशन रख के खुश होना चाहते हो, तब आप वो खुशी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हमारी ज़िंदगी, हम कह सकते हैं कि एक रास्ता है जो शायद जंगल, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, जंगल से उसको कंपेयर कर लेते हैं। हमें इस सिरे से इस सिरे पर जाना है। अब हम दो तरीके से जा सकते हैं, या तो हम खुश हो के वहाँ तक जाएं, या हम एक कंडीशन रखें कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब हम खुश होंगे। तो ये जो दूसरा तरीका है कि वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम खुश होंगे, इसमें हमारी खुशी हम नहीं पा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं वहाँ तक जाते जाते हमें कितनी कठिनाइयाँ मिले, हम वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, और अगर पहुँचे तो जाने के बाद लगे कि नहीं यहाँ नहीं, इससे और आगे जाके हम खुश होंगे। तो एक हम अपने दिमाग में कंडीशन बना के रखेंगे और शायद वो खुशी हम ना पा पाएँ। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक लड़का था, एक बच्चा था, नॉट लड़का, एक बच्चा, जो कि ये सोचता है कि मैं जब अपना स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लूँगा और अच्छे नंबर ले लूँगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। वो बहुत मेहनत करता है, अच्छे नंबर भी लेता है, एक दिन दो दिन खुश भी रहता है, फिर उसको चिंता होती है आगे एडमिशन की, कॉलेज में एडमिशन की। कंडीशन फिर से आ गई, कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, ऐसे ही फिर कॉलेज के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं खुश होऊँगा, फिर अच्छा मेरा सेटल हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी, मैं एक घर ले लूँगा, कार ले लूँगा, हर चीज़ उसको मिलती है, लेकिन कंडीशन वही कि इसके बाद मैं खुश हो जाऊँगा। तो इस तरीके से वो खुशी तलाशता रह जाता है और एक अपने गुरु के पास जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों? तो गुरु ने कहा कि पहले तुम एक मेरा छोटा सा काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। गुरु उसको एक गुलाब के खेत में लेके गए और बोले, बेटा ऐसा है कि सबसे सुंदर फूल मेरे लिए ले आओ, और कंडीशन ये रहेगी कि तुम्हें सिर्फ सीधे जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, और जहाँ से तुम एक बार आगे निकल गए वहाँ आप पीछे मुड़ के आप ना तो देख सकते हो, ना तो आप कुछ कोई फूल तोड़ सकते हो। बच्चा चला और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, एक से एक सुंदर उसके सामने फूल आते गए, लेकिन उसने नहीं तोड़ा, इस सोच में शायद इसके आगे कोई और अच्छा फूल मिल जाएगा। और ये सोचते सोचते वो आगे बढ़ता रहा, खेत का आखिरी किनारा आ गया, और वहाँ पर दो चार गुलाब के पेड़ों पर दो चार मुरझाए हुए फूल बचे हुए थे, तो वो एक मुरझाया सा फूल लेके अपने गुरु के पास आ गया। गुरु ने उसे समझाया कि ये जो तुमने सवाल पूछा था, ये उस सवाल का जवाब है कि रास्ते में तुम्हें सुंदर फूल मिले, अच्छे फूल मिले, लेकिन एक कंडीशन रखी तुमने, शायद आगे और अच्छा मिलेगा। इसी पीछे की जो खुशियाँ थी उनको आप छोड़ते चले गए और आगे खुशी तलाशते रह गए। यही हमारे सबके साथ होता है जीवन में कि हमें जो मिल गया वो कम है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, और कुछ और मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लो मुझे एक कार खरीदनी है और मैं वो कार ले भी लेती हूँ और मैं बहुत खुश भी हो जाती हूँ, लेकिन ये क्या, अगले दिन देखती हूँ मेरे किसी फ्रेंड से मेरे से बड़ी इस कार ले ली, तो फिर मुझे चिंता होती है, अरे मेरी कार तो छोटी रह गई। तो कार लेने की जो मुझे खुशी होनी चाहिए थी वो मैं उस पर खुश नहीं होके एक चिंता में डूब गई कि मेरे दोस्त के पास बड़ी कैसे हो गई। ये आम इंसान की फितरत है, हर इंसान इसी तरीके से सोचता है और वो इसी तरीके से अपनी खुशी को भूल करके फिर अपने ऊपर चिंताएं ओढ़ लेता है। तो खुश होना ये एक आपके दिमाग की सोच पर निर्भर करता है। आप अपनी सोच बदलोगे तो आप पूरी सृष्टि बदल सकते हो, आप अपने सामने खुशियों का पहाड़ लगा सकते हो। सिर्फ आपको अपनी सोच बदलनी है और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों में
को एंजॉय करते हुए आपने आगे बढ़ना है बड़ी खुशी की तरफ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि डॉक्टर थे मेडिकल कॉलेज में और अब रिटायर हो गए हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, उनको पैसा कमाने का लालच नहीं है। और अब रिटायरमेंट के बाद बजाय अपना क्लिनिक खोलने के, बजाय कुछ और करने के, वो गांव-गांव में जाते हैं, रिमोट एरिया में जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। और इससे उनको खुशी मिलती है, इससे उनको आनंद आता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एक के बाद एक नए क्लिनिक खोलते जाएंगे, लेकिन फिर भी चिंता में रहेंगे अगला कहाँ खोले और कैसे ज़्यादा पैसा कमाए। तो आशा है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हुए खुशियाँ बटोरते रहेंगे, खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहेंगे तो आपके आस पड़ोस में आपके मित्र, आपके परिवार, वो सब भी खुश रहेंगे और समाज में खुशियाँ फैलेंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं सतवंती सिंह ये कंक्लूड करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। थैंक यू।